subscribe my channel Discourse for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, welcome to my channel Discourse for Human. इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019। तो चलिए मेरे वेबसाइट पे जाके इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मैं आ गया अपना वेबसाइट पे। मैं इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो इस पेज पे आके ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो क्विकली मैक्सिमाइज इट एंड गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकला है 214। तो बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। तो अभी देख लेते हैं कि आपका एज लिमिट क्या है। तो 18 से लेकर 37 इयर्स तक, मतलब 18 से लेकर 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिलाओं के लिए आपका उम्र मैक्सिमम एज है 40 इयर्स और अनारक्षित महिलाओं के लिए आपका एज है 40 इयर्स एंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका मैक्सिमम एज है 42 इयर्स। और आवेदन करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019 और आवेदन पत्र चालू हो चुका है 15 जनवरी से और ये टोटली ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर रिजर्व वाइज यहाँ पर वैकेंसी नंबर दे दिया है कि 118 आप जिनाल के है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41, पिछड़ा वर्ग के लिए 47, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 8। और अगर आप बिहार स्टेट के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आप जिनाल कैटेगरी में अप्लाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है सिविल इंजीनियर इन डिप्लोमा। तो अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। अभी देख लेते हैं कि आपको कितना तनख्वाह मिलेगा। आपको 27,000 सैलरी मिलेगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल है। पहले आपको एक साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद अगर उन लोगों का आपका काम अच्छा लगता है तो वो एक्सटेंड होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपका जो मार्क्स है डिप्लोमा में उस मार्क्स से हिसाब से ये सिलेक्शन होगा। 75% आएगा आपका जो मार्क्स है उसमें से और 25% आएगा अगर आप बिहार सरकार के अधीन किसी भी सेक्टर में काम करते हो तो वहां से 25% आएगा। देखिए यहाँ पर काम करने का मतलब ये एसेंशियली नहीं है, अगर आप काम करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। सो दैट्स ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जिसको अप्लाई करना है वो मेरे वेबसाइट पे आ जाइए। मेरे वेबसाइट पे आके यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन का पेज में चले जाएंगे। ये देखिए फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर क्लिक करना और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मांगना है आप प्रोवाइड करके जाइए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो जैसे कि फॉर्म फिलअप के लिए कोई फीस नहीं है और कोई एग्जाम भी नहीं है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। बेस्ट ऑफ लक। If you like this video, hit the like button and share this video for the other aspirants. And also, for any type of query, do comment in the comment box and subscribe my channel for getting this type of video in future. Thank you.